पंचकुला के सेक्टर 10 और 16 के चौक पर एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक 24 साल की विनीत की मौत हो गई, जो कि चंडीगढ़ के मनी माजरा में रहता था, जो रात 9 बजे अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। जैसे ही सेक्टर 16 और 10 के चौक पर पहुंचा, पीछे से आ रही एक्सयूवी गाड़ी ने पहले पीछे से एक्टिवा सवार को टक्कर मारी, उसके बाद उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, जिस वजह से मृतक विनीत की मौके पर ही मौत हो गई और गाड़ी चालक मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक भिवानिश हरियाणा का रहने वाला था और चंडीगढ़ के मनी माजरा में फिजियोथेरेपी के शोरूम में काम करता था। जांच अधिकारी सेक्टर 10 चौकी से सुरेश पाल ने बताया कि बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी परिजनों को दे दी गई है और आरोपी गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखते हैं सुपर न्यूज 24/7 से पूरी रिपोर्ट। रात 10:16 के चौक पे एक एक्टिवा सवार को पीछे से टक्कर मार दी थी XUV 300 ने, जो कंट्रोल नंबर है, और हमें सूचना में हॉस्पिटल से रुका आया था। जिस कार्रवाई के हम वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे एक्टिवा और गाड़ी खड़ी मिली थी, जिसको कब्जा पुलिस ने ले लिया है। बाकी अभी तक उसको ट्रेस नहीं हुआ है, टेम्परेरी नंबर है। एक्टिवा सवार की इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है, जिसका पोस्टमार्टम करा के लाश वारसान को सौंप दिए। सर, मृतक का क्या नाम है, क्या काम करता और पीछे से कहां का रहने वाला? मृतक का नाम विनीत है, जो 24 साल उम्र है उसकी। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट था और फिजियोथेरेपी के लिए ही जा रहा था। यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड मनी माजरा में रह रहा है और पीछे से वो भिवानी सेक्टर 23 हुड्डा में रहता। सर, एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसे पीछे से टक्कर मारी और क्या हुआ था? वो हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आ रहा था, उधर से ही गाड़ी आ रही थी, तो उसके पीछे से टक्कर लगी है, नीचे उसका सर लगा और गाड़ी उसके ऊपर से निकल के आगे बिजली के पोल में टकरा कर रुकी है। ड्राइवर फरार हो गया वहां से। सर, मामला दर्ज कर लिया गया? हाँ जी, इसकी FIR 131 दर्ज कर ली है, 33 जारी। सर, पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, बॉडी का पोस्टमार्टम करा के लाश उसके वारसान को हैंडओवर कर दिए।